कल एक बार हाँ कहना हमको यहाँ बन गया। चिकन बनाने लेकिन ऑर्डर पहले आ गया, भैया हमको दीजिए हमको दीजिए हमको दीजिए। समझ सकते हैं कितना भीड़ है, समझ सकते हैं कितना फेमस है। पहले से ऑर्डर आता है हमको दीजिए हमको दीजिए, लाइन लगना। लैब टेक्नीशियन का मेडिकल में लैब टेक्नीशियन का नौकरी करते थे मेडिकल लाइन में। फिर हम सोचे कि आप कब तक नौकरी करेंगे, हम भी अपना कुछ रोज़गार करें। फिर उसने भी देखे प्रधानमंत्री साहब का रोज़गार योजना, स्वरोजगार योजना, उसी के अंतर्गत हमें भी जोश आया। हम भी सोचे कि हम भी युवा हैं, क्यों ना हम आगे बढ़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हम क्यों ना आगे बढ़ें। तो हमने फैसला किया, फिर हमने दुकान खोला। ऊपर वाले क्रम से बहुत अच्छा दुकान चल रहा है, आप लोगों के सहयोग से। आपके जो देखने वाले हैं, जो हमारे मयंक भैया आए थे जायका पटना का, उनके थ्रू मेरे यहाँ बहुत ग्राहक बढ़ा है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और आप आए हैं, हो सके तो आपको जैसे पटना के कुछ लोग हमको देखे, पटना के हम लोग भी लोकल हैं, पटना के कुछ लोग हमारे पास भी आएंगे, हमारे चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, सादा खाना मिलेगा, चुस्ता मिलेगा, चावल मिलेगा, हर प्रकार खाना मेरे यहाँ मिलता है। सादा खाना में दाल चावल सब्जी भुजिया सलाद मिलेगा, पापड़ मिलेगा, तिलौड़ी मिलेगा, मात्र 40 रुपये में। हमारे यहाँ एक मुट्ठी ज़्यादा भी खाइए, क्योंकि हम एक गरीब परिवार के लोग हैं, हमको पता है कि गरीब कितना खाता है। दो मुट्ठी क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, गरीब लोग हम दिन रात मेहनत करते हैं। एक मुट्ठी ज़्यादा खाता हम खिलाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, गरीब दुखों के कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। और जो अपने मन से देना चाहता है कि नहीं भैया वो एक मुट्ठी ज़्यादा खाएँ 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, उसे हम 10 रुपये लेते हैं। लेकिन हाँ, मेरे तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे यहाँ एक मुट्ठी ज़्यादा चावल खाएँ आपसे पैसा लेंगे। मेरे यहाँ 40 रुपये सादा खाना है एक प्लेट का, उसके बाद आप एक मुट्ठी अलग से मांगते हैं कि हाँ भैया चावल दीजिए थोड़ा सा दे दीजिए, तो हम देते हैं। उसमें और कोई नहीं, क्यों दिक्कत होगा। हम भी गरीब तबके के हैं, हम भी गरीब का भाव जानते हैं, खिलाने में कोई हमारा जाएगा नहीं। 5 रुपये हैं कमाएंगे, 10 रुपये हैं कमाएंगे, लेकिन हाँ दिल से कमाएंगे। अगला इंसान हमको याद करेगा कि उसके यहाँ आलम के यहाँ जाओ भर पेट खाना खिलाता है। मेरा नाम रिजवान आलम है, आप हमारे यहाँ दुकान पे आइए, भर पेट खाना खाइए। हमारे स्टाफ हैं कालिया, इनके यहाँ से बना खाना यहाँ आसपास हम लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि 40 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, 40 साल से आसपास हम नौकरी कर रहे हैं। हम जब 2 साल से खोल रहे हैं तो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। इनको लगा कि हाँ ये मालिक ठीक है, भर पेट खिलाता है, लोगों को पूछता है, इज्जत करता है, तो मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इनके हाथ का मटन चिकन अंडा बहुत फेमस हो गया, पहले तो मेरे हाथ का था, उसके बाद इनका हाथ लगा तो और खाना फेमस हो गया हमारा। इसलिए आप लोग भी सहयोग है कि आप लोग आइए। गरम मसाला तेल में जाएगा इस साइड में, उसके बाद लाल मिर्च जाएगा, लाल मिर्च हरा जीरा जीरा हरी मिर्च का ज़्यादा उपयोग करते हैं। हरी मिर्च पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लाल मिर्च कम, क्योंकि लाल मिर्च से गैस और एसिडिटी बनता है। गैस क्या बनता है? गैस और एसिडिटी बनता है लाल मिर्च से, इसलिए हम हरा मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारा तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, इसको हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। चिकन 3 किलो है तो कम से कम 3 किलो आपको प्याज डालना पड़ेगा, 3 kg प्याज डालना पड़ेगा। भुना हुआ मुर्गा ज़्यादा बिकता है, भुना हुआ मुर्गा में ज़्यादा प्याज का खपत होता है, इसलिए हम ज़्यादा प्याज डालते हैं। भैया का ज़्यादा बिकता है, जितना क्वांटिटी में चिकन होगा उतना ही क्वांटिटी में हमारा प्याज होगा। देखा जितना क्वांटिटी में चिकन होगा उतना ही प्याज होगा भैया के पास। ये देखिए कितना सारा क्वांटिटी में प्याज आ चुका है, 3 kg प्याज, 3 kg मुर्गा में 3 kg प्याज डाला जाता है। ये घर का था स्वाद अनुसार जितना हम ग्रेवी में देना चाहेंगे फ्राइड चिकन के, 3 चम्मच हम डाल चुके हैं। देखिए नमक चीनी हम डाल चुके हैं भैया, अच्छे से मिला देंगे अब। तब 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट? हाँ 10 मिनट में ऑलरेडी प्याज पूरा गल जाएगा मेरा, उसके बाद ही चिकन डालेंगे ताकि प्याज पहले से भुना हो और चिकन का स्वाद फ्राई भुने के साथ अच्छा लगे। अच्छा, आदि और लहसुन का पेस्ट है ये, देखा यहाँ पर आदि लहसुन का पेस्ट आ गया है देसी स्टाइल में। ये देखिए आदि लहसुन का पेस्ट वैसे वैसे को मिला दिए हैं। तीखा लाल है जो रोगन लगेगा रेड कलर के लिए, ये तीखा लाल होगा, हल्का स्पाइसी होगा, लेकिन ये ज्यादा तीखा नहीं करता, ज्यादा तीखा नहीं करता है। मेडिकल भी कर चुके हैं, इससे मेडिकल चिकन भी बनाते हैं, स्वस्थ बनाने के लिए, मस्त रहने के लिए, पूरा हेल्थ के लिए पूरा ध्यान रखते हैं भैया। क्या खाना है, क्या करेंगे, किसी की दिक्कत नहीं होगा हेल्थ में। ये देखिए आ गया हल्का सा स्पाइसी मिर्च। भैया चिकन कितना पानी होना चाहिए? 3 पानी में कम से कम, कम से कम 3 पानी होना चाहिए। हाँ चिकन 3 पानी होना चाहिए अधिकांश। ये देख सकते हैं लेग पीस मिर्च, हरी मिर्च, ये देख सकते हैं हरी मिर्च का, हल्दी, ये देखिए हल्दी मिर्च, वो ऐसा धनिया, क्या धनिया देखिए धनिया डाल दिए हैं, मसाला भी एकदम अभी अच्छे तरह से मिला देंगे।
देखा चिकन अब डाला जाएगा। देख स्वाद बहुत सुगंध बहुत बढ़िया आ रहा है ग्रेवी का भाई अभी से ही। ये देखिए चिकन आ गया, ये देखिए भाई चिकन का सीधा सफेद चला देंगे। अब देखिए हमारा सारा मसाला ऑलरेडी इंग्रेडिएंट हो गया है, सारा मसाला हो चुका है। हाँ लगभग एक गरम मसाला लास्ट में डालेंगे जो अभी नहीं, जब तक हम हमारा चिकन पूरा फ्राई हो जाएगा तो। अच्छा चिकन है हमारे यहाँ और तीन किलो चिकन है। चिकन अभी बनेगा एक बजे फिर हमारा लंच में बनेगा। कितना चिकन बनाते होंगे आप लोग? 7 से 8 किलो मेरा चिकन बनता है। 7 से 8 किलो 70 रुपये प्लेट होता है, 2 पीस चिकन चावल या रोटी, या अगर कोई एक्स्ट्रा एक चावल एक मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी में आ गया कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। 70 रुपये प्लेट होता है, चलिए देखते हैं। और बोरिंग रोड के सारे स्टूडेंट भाइयों से अनुरोध है कि कभी कभी मेस का बढ़िया ना लगे तो हम लोग भी छोटा मेस में। हाँ भाई छोटा मेस में अगर ट्राई कीजिए आपको एक अलग स्वाद मिलेगा, अलग टेस्ट मिलेगा, लगेगा तो हम घर में खाना खाएं। हफ्ता में एक दिन जरूर ट्राई करिए हमारे। हाँ भाई जितना बोरिंग रोड यहाँ पर आकर ट्राई कीजिए। ये देखो चिकन सुगंध कितना मस्त आ रहा है। ये हमारा चिकन का लास्ट मसाला डाला जा रहा है। क्या है ये? चिकन मसाला। चिकन मसाला हल्का सा डाला जाता है क्योंकि चिकन का स्वाद बढ़ाने के लिए, इससे चिकन का स्वाद आएगा। पहले से ऑलरेडी हमारा चिकन भूजा जा चुका है, इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए चिकन मसाला का यूज़ किया जा रहा है जो एवरेस्ट कंपनी का है। ये देखिए चिकन का स्वाद बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पर आ गया। ये देखिए मसाला चिकन का स्वाद बढ़ाने के लिए भैया, ये देखिए चिकन का स्वाद बढ़ाने के लिए, ये देखिए आ गया यहाँ पर मसाला। खाने में कितना मजा आएगा? हाँ भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रहा है। नहीं आप सोच लीजिए खुशबू इतना अच्छा लग रहा है खाने वाले क्या कहेंगे। वाह 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 वाह। हाँ हमारे यहाँ 2 दिन बाद दुकान खोले हैं क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब था। हाँ। 2 दिन बाद खोले हैं, लेकिन हाँ सुबह में खोलते के साथ कम से कम 10-12 प्लेट का ऑर्डर आ चुका है कि पहले हमको मटन चाहिए पहले हमको चिकन चाहिए, इसीलिए दोनों आइटम पहले बना रहे हैं, सादा खाना लास्ट में बनाए। हाँ क्योंकि वेडनेसडे है ना, मटन चिकन का दिन होता है। आज के दिन लोग सादा तो खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, चिकन मटन वाला चिकन ज़्यादा खाते हैं मटन ज़्यादा खाते हैं, इसलिए पहले सादा खाना ना बनाकर पहले चिकन मटन बन रहा है। चिकन मटन देखे चिकन बन के यहाँ पर रेडी हो ही चुका होगा। भूजा जितना बढ़िया भूंजेगा उतना स्वाद आएगा, इसलिए भूंजने में कोई कमी नहीं होता। ग्राहक लौट गया लेकिन खाना पक्का मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, हाइजेनिक मिलेगा। मेडिकल लाइन हम काम किए थे करीब 7-8 साल काम किया, लेकिन मज़ा नहीं आया हमको, जो अपना नौकरी करके मज़ा है इधर उधर मज़ा नहीं है। आप कहाँ सोचे फिर चिकन का दुकान खोला जाए? पहले हम दिल्ली में 7-8 साल रह चुके हैं, दिल्ली में हम रेस्टोरेंट में काम किए तो वहाँ सीखे हैं काम, तो हम क्यों ना सोचे मेरे पास अपने हाथ का हुनर है हम क्यों ना आगे बढ़े, क्यों नौकरी करें, इसलिए हम अपना नौकरी दुकान खोले हैं। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आप लोग के सहयोग से, आप लोग खाने आते हैं, कितने रेस्टोरेंट मेरे पास खाने आता है बढ़िया खा के जाता है, सब बोलता है। भाई एक तरह से डॉक्टर भी थे पहले, लेकिन डॉक्टर होने का बाद चिकन बेच रहे हैं, वो हेल्थी के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा काट भी है, छोटा सा काट बहुत सारा है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बढ़िया से काट से आप तक प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है। मटर है क्या? मटर है, आलू छीमी मटर एकदम सादा भोजन में दिया जाता है यहाँ पर आपको, मात 40 पर तिलौरी सब पापड़ तिलौरी सब है। 9 बजे बताइएगा तो चिकन भुना भी नहीं लेकिन चावल खाने के लिए लोग आ गए हैं हमारे यहाँ। देखिए चिकन ही बनाए लेकिन आप खाने के लिए पूरा फिर रखेगा, इसलिए चावल लगा कर उनको छोड़ देते हैं, इंतजार करवाते हैं, ग्राहक को लौटाना ही चाहिए। हमारा लगा रहे ना, ग्राहक पहली प्रायोरिटी है हमारा। उनको दे के बांध देंगे, हल्का ग्रेवी दे देंगे भुना हुआ, उसी में खाते रहेंगे तब तक चिकन मेरा फ्राई हो जाएगा 2-3 मिनट में, उनको खिला दिया जाएगा। ग्राहक को लौटने नहीं देना, ग्राहक लौटने नहीं देना। अभी मेरा पहला बहनी है, इसे भी बहनी क्या, जब भी आएगा ग्राहक हम लौटने नहीं देंगे क्योंकि ग्राहक हमारा इज्जत ना है जी। इतना माल क्यों बन रहा है ग्राहक के लिए? 6 किलो माल बना है चावल, 6 किलो दोपहर में बनेगा, 18-20 किलो चावल का सेल है मेरा, किस लिए है? ग्राहक के लिए। 18 किलो चावल का मतलब एक बराती खिला देना है। 18 रुपये बराती खिला दीजिएगा। 18 किलो बराती के लिए होता ही है। 18 किलो चावल बनता है, ग्राहक आते हैं तब तो आते हैं, गरीब दुखिया सब आता है, हर प्रकार के मेरे यहाँ आते हैं। देख सकते हैं चिकन रेडी हुआ नहीं लेकिन भैया लगे यहाँ ग्रेवी पे खाने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ग्रेवी पे ली, ग्रेवी के लिए घर से लगता है। हाँ घर जैसा लगता है, घर से लगता है ना। हाँ अच्छा ठीक लगता है तब ना खाते हैं, ठीक लगता है वालों हम खाते हमेशा आते हैं। हमेशा एक चिकन रेडी होने में भाई बाबा ग्रेवी या चावल खा रहे हैं, चिकन रेडी नहीं हुआ समझ सकते कितना फैसिलिटी है। अच्छा एक नंबर ग्रेवी है, देखिए पूरा भीड़ हो जाता है। ये भाई लेग पीस, ये देखिए लेग पीस
ये देखिए लेग पीस बन गया पर रेडी हो चुका है रेड चिली भाई। अब देखिए चिकन का भाई लेग पीस का साइज देखिए कितना बड़ा चिकन भाई लेग पीस है, आपको हर जगह चिकन नहीं मिलेगा।